माफ करना माता, पर आप जिस छोरी ने अपनी गद्दी सौंप की गई थी वो माता ना है, तो इस गांव की रक्षा करने में सक्षम ना हो पाई माता जी। ना भुप्ती, गलती इस बच्चे की ना है, गलती मेरी है। मारे से ही भूल होगी मैया का इशारा समझने में। मन ने लग गया कि मैया इस बच्चे ने मारे स्थान पे बिठा के मन ने तपस्या पे भेजना चाहे, लेकिन मैया चाहे थी कि मैं इस बच्ची को हमेशा अपनी छत्र छाया में रखूं, अपने आस पास रखूं। ताकि देवी का यो अंश मेरी तरिया इस गांव का उद्धार कर सके और लोगों ने हर मुसीबत से बचा सके। पर भाभी माँ, इस बच्ची का अपमान माँ कुसुम सुंदरी का अपमान से, जो भी इस बच्ची से ठीक से पेश नहीं आवेगा वो मेरा और घुंघरू वाली मैया दोनों का दोषी होवेगा। इस बच्ची का पालन पोषण करने वालों से भी बहुत बड़ी भूल हुई से। इसका ध्यान उस तरह से नहीं रखा गया जैसे देवी का अंश का रखना चाहिए। और मैया ने मन ने बता दिया से कि इसका जिम्मेदार कौन है। ठीक कह रही है भाभी माँ, थोड़ी लापरवाही हुई है इसके पालन पोषण में। अगर उस दिन मैं टाइम पे ना पहुंचती तो ये जलते हुए अंगारों पे चलने वाली थी। और जिस दिन महासमाधि थी उस दिन जब ये भैया को बचाने के लिए आई थी, इसके हाथों से इतना खून बह रहा था, तब भी घर जाने के बाद जीजी ने इसके हाथों पे मरहम नहीं लगाई। ठीक कह रही से माँ, बात बात पर डांट देवे बिचारी ने और ठीक से खाना पीना भी ना देवे से बिचारी को। ये सब झूठ से माता, मेरी अम्मा मन ने बहुत प्यार करे से और मेरा बहुत ख्याल रखे से। देखो इसे कह बे हैं देवी का असली अंश, यो बच्ची ये बात करके अपना बड़ापन दिखा रही। इतने बुरे व्यवहार के बावजूद अपनी इस माँ ने निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रही है यो बच्ची, इसे कहवे महानता। इस बच्ची की जिम्मेदारी मैंने तन्ने सौंपी थी, लेकिन तूने तो इस हुंडी वाली बच्ची का फायदा उठाना शुरू कर दिया। बस मैया ने मन ने सब कुछ बता दिया से, इस हुंडी वाली बच्ची का फायदा उठाकर तूने अपने घर में एक नई हुंडी खोल ली। उस चढ़ावे से मारे बेचारे भक्तों का भला होना था, लेकिन ना, तूने वो पैसा अपनी भलाई में लगाना शुरू कर दिया। बोल कहां से वो चढ़ावा। अगर हम दोनों अपनी फड़ाई चाहो तो वो चढ़ावा अभी और इसी वक्त मंदिर ने वापस कर दो। ये लोग वो चढ़ावा कहां से वापस करेंगे माता। पड़ोस के गांव में आधे से ज्यादा पैसों की जमीन खरीद ली से उम्मी ने। एक दिन उम्मी बड़ा धुनकी में था जब मैं बताई थी इसने सारी बात मेरे को। ये भगवान ने जाना।
है सर्रा और न ही उम्मीद कैरी। मैं सिर्फ इस गांव को महामारी से बचाने नहीं आई बल्कि मैया की इस अंजने सर्रा के चंगुल से बचाने आई। यो बच्ची मंदिर और घुंघरू वाली मैया की अमानत से, इसलिए आज के बाद यो इस मंदिर में रहवे की। और इसके पालन पोषण की जिम्मेदारी मेरी होगी। चक्कर से भाई अपने वाले फैसले के बारे में तुम्हारे को कुछ बताया नहीं थी। ना माता, माता हमारी बच्ची को हमारे से दूर ना करो, हम लोग ना जी पाएंगे, उसके बगैर मर जाएंगे माता। सुकर कर ओमी की पिछली बार की तरह तन्ने इस बार सजा नहीं दे रही, लेकिन इस बार अगर थम दोनों ने मैया के आदेश के रास्ते में आने की कोशिश की तो अपने आप में रोक नहीं पाऊंगी। अपनी दीदी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि देवांशी के साथ ऐसा कुछ ना होगा। हमारी देवांशी को हमारे से दूर मत करो। तन्ने क्या लगता है छोरे, ये सब कुछ मैं अपनी मर्जी से करूं? अरे बावड़े, ये घुंघरू वाली मैया का आदेश से यो बच्ची मंदिर में रह के खुश भी रहेगी और धर्म के रास्ते पे चढ़ना भी सीखेगी और यो सिर्फ इस बच्ची के लिए नहीं पूरे गांव की भलाई के लिए हो रहा है। लेकिन इस बच्ची ने मोह और माया से दूर रहना पड़ेगा, इसलिए सरला और उसके परिवार को दिन में एक बार इजाजत होगी बच्ची से मिलने की। और वो भी किसी सेवक की मौजूदगी में। चार छोरी, देवांशी देवांशी।